गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम परतवाड़ा। तो चिकलदरा तो पहुँचे नहीं रात में, यहाँ पे 30 किलोमीटर पहले रुक गए थे, तो अभी चेकआउट टाइम हो गया। तो इस टाइप का कुछ होटल था, कुछ दिखाने में खास था नहीं, मजबूरी में यही लेना पड़ा। तो चलो पहले नीचे चलते हैं, बैग गाड़ी पे बांधते हैं। तो दोस्तों चिकलदरा की घाटियों में एंटर हो चुके हैं। देखो ये इधर गाड़ी खड़ी है, पूरा जंगल है आजू बाजू। वैसे लाइट फोकस अच्छा है नहीं यहाँ पे, तो यह सही वीडियो बनाना पड़ेगा। तो चलो मिलते हैं गाड़ी पे और सीधे बढ़ते हैं चिकलदरा के लिए। तो दोस्तों इस स्पॉट पे हम लोग रुके थे यहाँ पे फोटो वोटो क्लिक करने के लिए। तो अभी कैमरा चालू करके देखा तो साला होटल से लेके यहाँ तक का कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, क्योंकि इसको भी इशू कर रहा था कैमरा, मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट मारने बोल रहा था तो नहीं बन पाया। वैसे यहाँ से आप वादियों के मजे लो, तो घाट सेक्शन थोड़ा भारी टाइप का है, यानी छोटी टर्निंग है, पतली रोड के हिसाब से चलाने का, यहाँ पे देख रेख पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने का, और पहले ऊपर देख के क्लियर है क्या तब गाड़ी आगे बढ़ाने का, नहीं तो हॉर्न मार के चलने का हिसाब से। तो फिर ब्लाइंड टर्निंग से हॉर्न मारते हुए निकलने का दोस्तों, क्योंकि कब सडन सामने से गाड़ी आ जाए, रोड भी सक्रिय है, इधर उधर भागने का रास्ता भी नहीं रहता है, इसलिए सतर्क रहे, सतर्क रहे। ये रहता है कि जैसे गाड़ी आई इस टाइप की आई आपकी गाड़ी, काफ़ी सब बढ़िया। आप लोग जब तक म्यूजिक के मज़े उठाओ तब तक हम हिसाब से ये घाट सेक्शन वाला पैक क्लियर करते हैं। तो दोस्तों घाट में ऊपर थोड़ा और चढ़े तो बहुत ही तगड़ा स्पॉट मिला। तो यहाँ से देखो जैसे ये पीछे पूरा पीछे जंगल है, टाउन है, और इसका कैमरा फ्लिप करके आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। यहाँ पे ये पतली सी सड़क दिख रही, तो ये यहाँ से आ रहे हैं हम लोग, और पूरा मस्त घाट सेक्शन बहुत ही तगड़ा है। ये अगर बारिश में आते तो और धांसू देखने मिला रहता, क्योंकि तब हरियाली और अच्छी रहती। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। लगाओ इधर तुम्हारा बैग खसक रहा है, बैग खसक रहा। तो दोस्तों वाह 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 वाह, क्या लोकेशन है दोस्तों, देखो एक नंबर, बहुत सही। हाँ हाँ उधर खिसको, उंगली फंस गई। इस लोकेशन पे रुकने पे फिर से मजबूर हो गए, तो दिखाता हूँ बैक कैमरा से फ्लिप करके। तो ये देखो बहुत ही सही हो रहा है, थोड़ा दूर से दिखाता हूँ, ये कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा उतना, बट फिर भी जितना दिखा सकता हूँ मैं उतना दिखाऊंगा।
चलो दोस्तों तो राइड कंटिन्यू करते हैं। ये लोकेशन तो बहुत सही था बट अभी यहाँ रोक नहीं सकते ज़्यादा देर, क्योंकि लोकेशन में फोटो खिंचाने के लिए उस हिसाब से कैमरा भी नहीं है और ऊपर से झाड़ी भी इतनी है कि नीचे का कुछ दिख नहीं रहा है। आप सही है भाई। तो दोस्तों ये है लोकेशन दिखाने लायक, तो इसमें एक इससे भी दिखा देता हूँ चिन वाले कैमरे से और उसके बाद मोबाइल के कैमरे से दिखाता हूँ। बहुत ही सही, एक नंबर। तो ये सब रोड से ही हम ऊपर आए हैं चढ़ के, इधर से फिर ये इधर। तो चलो कैमरा निकालते फिर बताते हैं और चीज़ें। तो दोस्तों इस लोकेशन पे पहुँचे हैं, यहाँ पे गाड़ी खड़ी की है और यहाँ से जो व्यू आ रहा है, ये जो सामने पहाड़ देख रहे हैं उसके पीछे लेक का भी व्यू है और ये इसी रोड से आए हैं हम ऊपर। और ये दो पवन चक्की जैसे आप देख पा रहे होंगे, जूम करके दिखाता हूँ हल्का, ये तो इससे बोलते कि दो कितना किलोवाट का तो बिजली बनाता है, बोले तो 50 किलोमीटर कोई गाँव है यहाँ से तो उसको बिजली सप्लाई करता है। और ये जो दिख रहा है यहाँ पे वो है वाटरफॉल, बट अभी पानी है नहीं तो कुछ दिखेगा नहीं, इसके लिए आना पड़ेगा बारिश में। तो देखेंगे आगे चल के बारिश में आ जाएंगे एक आधी वीडियो बनाने के लिए। तो चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलो इस जगह को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया, अब निकलते सीधे होटल के लिए, आगे चेक इन भी करना है, बहुत टाइम होते जा रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, रिटर्न में और देख लेंगे। तो चलो बढ़ते हैं यहाँ से आगे। तो दोस्तों होटल तो पहुंच गए, देखते हैं चेक इन का क्या है, यहाँ करना है कि नहीं करना। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए चिकलदरा, तो चेक इन कर लिए, ये है होटल। तो कल जैसे दिक्कत में ना आए इसलिए इस बार थोड़ा होटल ढूंढ के किए बुक। वैसे होटल का जो लोकेशन है बहुत सही है, पूरे चारों तरफ सीन ही सीन है और ये इधर किला है, किधर तो भी इधर, हाँ इधर किला है। तो चलो अभी निकलते हैं खाना का खाने के लिए, फिर आके एक्सप्लोर करेंगे और भी जो भी है। तो चलो मिलते गाड़ी पे। तो ये है दोस्तों चिकलदरा की वादियाँ पहाड़ी, ये देखो दोस्तों ये है गेरू तालाब, यहाँ पे बोटिंग करा रहे हैं। पहले तो खाना खाने का जुगाड़ देखते हैं, उसके बाद जो एक्सप्लोर करना है वो सब एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों होटल पहुंच गए, ये MTDC होटल है, अपने जहाँ पे स्टे कर रहे हैं उससे 1 किलोमीटर भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर की दूरी पे ही है। तो चलो यहाँ पे खाना वाना खाते हैं, फिर जो भी एक्सप्लोर करना है करते हैं। ऐसा है कुछ होटल। तो दोस्तों खाना खाने के बाद हम सीधे आ गए ये देवी पॉइंट पे, इस टाइप का लोकेशन है यहाँ पे बच्चों के हिसाब से खेलने के लिए, ये क्या बोलते हैं इसको, हवा वाला पता नहीं। बाकी और जो मेन पॉइंट है वो ये है, फ्लिप करके दिखाता हूँ कैमरा इसको। और वैसे जो यहाँ पे लोग आते हैं और ऐसा कचरा करके जाते हैं इतनी अच्छी जगह पर, तो कुछ सीखना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना ऐसा। चलो आप लोग व्यू देखो जब तक। देवी पॉइंट
तो दोस्तों यहाँ पे उतना कुछ खास है नहीं वैसे दिखाने लायक, तो अब देखते हैं वो उधर जिधर अपना स्टे कर रहे हैं वहाँ पे एक फोर्ट है, क्या बोलते हैं उसको, किला। तो अब देखते हैं वो किला पे चलते हैं, तो चलो मिलते हैं गाड़ी पे। तो दोस्तों अब यहाँ से निकल रहे हैं किले के लिए, तो बने रहिए वीडियो पे। तो दोस्तों किले के पास तो पहुंच गए हैं, अब देखते हैं इसमें जाने का जुगाड़। बोलते हैं कि कोविड के चक्कर में बंद कर दिए, वैसे ये इतना लंबा है और आगे तक है यानी, तो चलो देखते हैं सामने चल के। तो दोस्तों ट्राई करके देखते जाना होता क्या। तो ये इस टाइप का है कुछ किला इस साइड से, तो ये देखते हैं ऊपर जमता क्या जाना, नहीं जमेगा तो रिस्क नहीं लेंगे भाई, रिटर्न हो जाएंगे। बहुत 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 बे बहुत खड़ी चढ़ाई है बे। तो दोस्तों चलो ट्राई करके देखते हैं क्या है, तो भी चढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं वैसे, बट क्या होता है देखते हैं। ओ भाई भाई जितने में मजा मिल रहा भाई उतने में मजा मार लो, वापस चलते फिर। तो दोस्तों पहुंच तो गए ऊपर, मगर किला किला जैसा बचा नहीं, खंडर हो गया भाई। तो चलो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा और आगे जाने का कोशिश करते हैं, पहुंच गए तो ठीक नहीं तो वापस हो जाएंगे। ये दो भाई भी हमको मिल गए हैं, हेलो बोल दो भाई। हेलो हेलो हेलो। चलो ये दोनों भाई भी हमारे साथ चढ़ गए ऊपर, ये दोनों नहीं अपन इनके साथ। हाँ यानी हम इनके साथ चढ़ गए, ये आगे पहले चढ़े हिम्मत दिखा के। आराम से भाई, इधर से क्या है भाई, इधर गुफा है। यहाँ से क्या है अंदर, उधर से भी नीचे गुफा है, इधर से डायरेक्ट रास्ते निकलता होगा। अभी ये भी यहाँ पे दर्जी कौन है बे, इधर दर्जी पैर दर्जी होंगे। तो भाई गुफा में तो घुस गए हैं, अब देखते हैं क्या है इधर से क्या है सीन। ठीक ही है बोले तो, बस ज़्यादा कुछ है नहीं, काटे काटे के झाड़ इधर सामने। तो चलो देखते इधर से उस साइड निकल के। दोस्तों ये लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, थोड़ा बस बाकी पूरा ढह चुका है किला, थोड़ा बहुत लोकेशन जो कैप्चर कर सके लोग इसका किले का वो कर लिए, बाकी सब ये है, फिर इसके बाद आगे निकलेंगे देखते हैं। तो दोस्तों आखिरकार कैसे भी मेहनत मशक्कत करके पहुंच ही गए ऊपर किले पे,
ये दीवारें हैं, ये सब दीवारें हैं, टूट चुकी है ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ी बहुत बची है। तो ये देखो, ये जैसे ये बाकी सब ठीक है। तो देखते हैं और कुछ अगर यहाँ पे दिखाने लायक रहा तो दिखाता हूँ, नहीं तो फिर वापस। चलो यही से बोलते जुगाड़ उतरने का, तो वापस देखते हैं यहाँ से ट्राई करके कैसा क्या है। तो भाई थोड़ा हिसाब से चलेंगे ब्रो। तो दोस्तों ये जो नदी दिख रही है बोलते चंद्रभागा है बोले, वो सामने वो देवी पॉइंट के पास से ये जो पहाड़ दिख रहा है पत्थर, उसमें से पानी निकलता है बोले और नदी बनती है। तो ये था यहाँ का कुछ ज्ञान। यहाँ से थोड़ा हिसाब से उतरेंगे, गिरे तो कबाड़ा होना है, तो फूक फूक के कदम रखे जा रहे हैं। तो दोस्तों कैसे तैसे पहुंच गए नीचे और एग्जिट। तो चलो दोस्तों अब मिलते हैं सीधा गाड़ी पे। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं किले से, कैसे भी करके पहुंचे अंदर तक। अब देखते हैं सनसेट पॉइंट, आज आखिरी सोच रहे सनसेट पॉइंट निपटा लेते, फिर देखते हैं क्या है। तो चलो आगे आगे पता चल जाएगा। तो दोस्तों चाय पीते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं सनसेट पॉइंट के लिए। दोस्तों चाय ब्रेक, पहुँच गए सनसेट पॉइंट, इसको बोलते हैं मोजरी पॉइंट। तो वैसे सनसेट हो रहा है इधर, सन दिख नहीं रहा फॉग की वजह से, और बादल भी छाए हुए हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ी देर का टाइम लैप्स देखो, फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से होटल के लिए।